हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी बीए, एलएलबी एंड एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लिया, जिनको सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की इंतज़ार है उनको, एंड उनको ये भी कन्फ्यूजन है कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा पेपर, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उनके मन में। तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मेरे एग्ज़ाम कब होंगे। देखिए हकीकत तो ये है कि आपके एग्ज़ाम अभी तक हो जाने चाहिए थे सेकंड सेमेस्टर के, एंड आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था, बट आपका भी इन्होंने कर दिया है लेट, जैसे और स्टूडेंट का लेट चल रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि कब तक होगा। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि जो भी एग्ज़ाम होने वाले आपके साथ ही में होंगे, बट उसके साथ में तो हो नहीं रहे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, आपके एग्ज़ाम अगला जो मंथ है आपका अगस्त, उसके एंड तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगस्त तक स्टार्ट हो सकते हैं, वरना सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हर हाल में स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, लिख लीजिए। जैसे ही रिज़ल्ट आया था मैंने बताया था कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, बट काफ़ी सारे लोगों ने नहीं मानी उस बात को, एंड क्या रिज़ल्ट रहा, जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। ऐसे ही दोस्तों आपके इस मंथ के लास्ट में, या सॉरी इस मंथ नहीं जुलाई में नहीं, अगस्त के लास्ट में एंड में, या सितंबर के स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम हर हाल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात रही आपके एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट होंगे। अब बात आती है कि कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, हम तैयारी कैसे करें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की, एंड CLP कौन सी खरीदें, CLP नहीं मिल रही, ऑब्जेक्टिव वाली लें CLP सब्जेक्टिव वाली लें, हमारी कोचिंग ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मन में। तो उन सभी क्वेश्चन के मन में शंका ना, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। देखिए आज मैं अगर बताऊँ ऑब्जेक्टिव होंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, स्टूडेंट के 28 जुलाई से, हम सभी ने सोचा था कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही होंगे, ऑब्जेक्टिव अब नहीं होंगे। सबने सब्जेक्टिव की तैयारी की थी, सबने सब्जेक्टिव की CLP CLA खरीद ली थी, बट एट द एंड 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी कहती कि भाई MCQ में प्रिपरेशन कर लो, गोलमाल कर दिया। अब आपके साथ क्या हो सकता है, देखिए आपके साथ 2 से 3 सिनेरियो बनने हैं। सिनेरियो नंबर 1 आपका क्या बनना है, ये जो बच्चों के MCQ में पेपर लिए जा रहे हैं ये इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके लेट चल रहे हैं सेमेस्टर, और काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं उनके, जैसा कि मेरा सेमेस्टर है, मेरा काफ़ी लेट चल रहा है। इनको 2024 तक हमारा 10th सेमेस्टर कंप्लीट कराना, जबकि अभी हमारा 7th ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए ये MCQ पैटर्न में जल्द से जल्द एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट जारी करने की सोच रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपका अभी सेकंड सेमेस्टर ही होना, तो इस कॉन्सेप्ट से तो आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने नहीं चाहिए। बट बात यहाँ पे आती है कि लेट तो आपका भी सेमेस्टर हो गया है, लेकिन पॉइंट ये आ रहा कि आपका इतना लेट नहीं हुआ जितना हम लोगों का लेट हुआ था, तो इस हिसाब से तो आपके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने की ही शंका है। बट कानपुर यूनिवर्सिटी है तो ऑब्जेक्टिव भी करा सकती, तो इस दुविधा से निकलने का एक ही तरीका है, आज ही से पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप BA LLB में, ख़ास तौर पे LLB में, तब भी ये जो आपके स्टार्टिंग के सब्जेक्ट हैं BA वाले, अगर आपने अभी अपने परसेंटेज स्टार्ट यानी गेन करना स्टार्ट नहीं किया, आप अभी से 65 से 70 के बीच में परसेंटेज नहीं बना पा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो भी आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं आप परसेंटेज नहीं बना पाएंगे दोस्तों। एंड इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर आप इन फ्यूचर कभी अच्छे कॉलेज से LLM करना चाहेंगे तो मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन नहीं होगा दोस्तों। तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए लॉ की स्टडी को लेके, लॉ की स्टडी बहुत हार्ड है, ये एक नोबेल प्रोफेशन है दोस्तों। ओके, ये जो कॉलेज वाले कानपुर यूनिवर्सिटी ने इसको बना के रख दिया है, बिल्कुल BA BSc BCOM से भी बिल्कुल ख़राब का इसका स्टेटस बना के रख दिया, कोई वो पढ़ाई नहीं है, नोबेल पढ़ाई है, नोबेल स्टडी है। ओके, तो प्लीज़ इसको सीरियस होकर पढ़िए, आप अभी से थ्योरी स्टार्ट करिए, सबसे पहले आप थ्योरी स्टार्ट करिए, देन आप उसके बाद MCQ की भी प्रिपरेशन करिए। आप अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो MCQ आपके अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे, बट आप स्टार्ट करिए, देखिए स्कीम आ जाएगी आपकी, अब तब MCQ स्टार्ट करेंगे या थ्योरी स्टार्ट करेंगे काफ़ी दिक्कत होने वाली। जिन बच्चों ने थ्योरी प्रिपेयर की थी उनको इस बार भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली है, तो थ्योरी अभी प्रिपेयर करिए, थ्योरी तो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और रही बात MCQ की, तो उसके लिए भी आप CLP खरीद सकते हैं। देखिए बुक्स वगैरह खरीदने की नहीं खरीदने मुझे नहीं पता, जो भी आपके लॉ के सब्जेक्ट है जिनकी बेरेक्ट आती है वो अभी के अभी परचेस कर लीजिएगा,
नहीं मिल रही है। देखिए काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बुक स्टोर पर जाते हैं, उनको कभी 2019 की पकड़ा देते हैं, 2018 की पकड़ा देते हैं, 2020 की पकड़ा देते हैं, रखी रखाई पकड़ा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। CLPCLA में तो टाइम ही नहीं लिखा होता कि भाई कब की ये पकड़ा देंगे, लो भाई ले जाओ 2015 की ले जाओ, नहीं है हाँ नहीं है, तो ये भी एक इशू होता है उनके साथ, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई इशू अगर नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, व्हाट्सएप पे बताइए 8004993282, आप बताइए आपको CLP बुक्स बेरेट जो नहीं मिल रहा बताइए, हम आपको परचेस करवा के आपको सेंड कराएंगे, ओके, ताकि आप नई नई चीज़ों से अपडेट करिए। बुक स्टोर वाले ऐसे नहीं देते, वो तो बताएं कुछ चेंज ही नहीं, वाला तो वही है यार, कानून तो वही है ना, अब जैसे लगता है कि वो कानून बैठ के पढ़ते हैं। चलिए ये चीज़ तो हो गई आपकी, अब बात आती है क्या कैसे अपडेट मिलती रहेगी। देखिए मैंने अभी कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी बच्चे थे उनके लिए अलग अलग सेमेस्टर वाइज ग्रुप बनाए थे टेलीग्राम पे, ओके, तो आप लोग भी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके, टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए BLLB सेकंड सेमेस्टर, LLB सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, ओके। या तो देखिए ग्रुप बन गए होंगे तो मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा। व्हाट्सअप हमें करिएगा 8004993282, यहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल आपका BLLB सेकंड सेमेस्टर, LLB सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड शेयर करता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो भी शेयर करता रहूँगा, ओके, पेपर वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो शेयर करता रहूँगा, ओके। तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इसके बाद बात आती है कि कोचिंग मेरी, तो देखिए मेरी कोचिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, एग्ज़ाम मेरे चल रहे हैं अभी 2 से 3 डेट तक, आपके मेरे अगस्त तक एग्ज़ाम है, तो अभी तो कोई आइडिया नहीं है, उसके बाद ही स्टार्ट होगी, बट स्टार्ट होगी एंड उसमें आपकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ओके। तो उसके जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी दोस्तों। अगर आपकी सबसे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, BA LLB एंड LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी इस चैनल से, लीगल ग्लोसरी के चैनल से अगर हेल्प हुई थी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, ताकि BA LLB सेकेंड सेमेस्टर एंड LLB सेकेंड सेमेस्टर में हम आपको इससे ज़्यादा मेहनत करके दिखाएंगे और आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस वीडियो लाइक करनी होगी एंड ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच दोस्तों।